गमापुर में रहने वाली 11 साल की मूक बधिर बच्ची शाम को घर के बाहर खेलते खेलते अचानक ही गायब हो जाती है। रात को करीब 9 बजे माँ जब घर आती है तो बच्ची उसे नहीं मिलती। लिहाजा बच्ची को आसपास तलाश किया जाता है और जब उसका कुछ भी पता नहीं चलता है तो थक हार कर बच्ची की माँ पुलिस से मदद मांगती है। तो वहीं तुरंत अलर्ट होती है पुलिस। बच्ची को तलाश करने के बाद जब वह नहीं मिलती है, घमापुर निवासी पूजा सीधे पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचती है, जहां सीएसपी को बताती है कि वह काम करती है और उसकी बच्ची घर पर रहती है। आज जब रात 9 बजे पूजा घर पहुंची तो देखा कि वह घर पर नहीं है। काफी तलाश के बाद भी बच्ची नहीं मिलती है तो मदद के लिए पुलिस के पास पहुंचती है। इधर महिला की बात सुनते ही सीएसपी आलोक वर्मा तुरंत अलर्ट हो जाती है। वायरलेस सेट पर जिले भर में मैसेज कर बच्ची की कदकाठी बताई जाती है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के जरिए बच्ची की फोटो भी सभी पुलिस कर्मियों को भेजी जाती है। चंद घंटों में ही रंग लाई पुलिस की मेहनत, मिल गई बच्ची साकुशल। सीएसपी आलोक वर्मा अपने साथी पुलिस कर्मियों के साथ स्वयं भी बच्ची को तलाश करने में जुटे हुए थे। इस बीच चीता पेट्रोलिंग स्टाफ भी गली गली बच्ची को ढूंढ रहा था और इस बीच बलदेव बाग में बच्ची मिल जाती है। क्या हुआ था? सर, मैं शाम को काम पर गई थी, बच्ची घर पे थी, अचानक से खेलते खेलते निकल गई घर से वो, और जब मैं काम पे से घर आई रात में 8:30-9 बजे तो बच्ची नहीं थी और मैं उसको ढूंढना चालू कर दी थी। ढूंढते ढूंढते तहसीली चौगड्ढे गई थी, अम्बेक्टर चौक, वहाँ पे भी पार्टी हो रही थी, वहाँ पे कुछ लोगों ने बताया कि अभी यहाँ थी, खाना खा रही थी, अब किस साइड गई नहीं पता। तो मैं कंट्रोल रूम गई वहाँ से, तो सर ने मेरी मदद करी वहाँ। क्या नाम है बच्ची का? आस्था दुबे। कहाँ रहते हैं आप? शीतला माई बम्मा देवी। आप पुलिस का इस प्रकार से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आपकी बच्ची मुक्त बाधित है। जी सर ने मेरी बहुत बड़ी हेल्प करी है, रात में 1 बजे बच्ची मुझे मिली है। भैया, एक बच्ची थी जो गुम गई थी, उनकी माता पिता बहुत रो रहे थे, क्या मामला है? गुरुवार की रात सामान्यतः मेरी गश्त रहती है और जैसे आज मैं कंट्रोल रूम पहुंचा वैसे ही घमापुर की निवासी पूजा दुबे मेरे पास आई और उन्होंने बताया कि मेरी बच्ची आज शाम को 6 बजे से गायब है। मैं उस टाइम पे काम करने गई थी और जब मैं घर पहुंची 9 बजे तो बच्ची मुझे नहीं मिली और मैं लगातार 9 बजे से लगातार ढूंढ रही हूँ, मतलब बच्ची मुझे नहीं मिली अभी तक। तो आप मेरी जो हेल्प कर सकते हैं करिएगा। और काफ़ी उस टाइम भावुक हो गई, काफ़ी थोड़ा सा रोना भी उनको आया। तो जो मेरे बस में था उस टाइम मैंने तत्काल कंट्रोल रूम को सूचना दी और जितनी भी हमारी चीता मोबाइल पेट्रोलिंग पार्टियाँ जो लगी हुई थी पूरे शहर में, मैं तुरंत सबको कॉल किया और जब कॉल करने के पश्चात जस्ट 15-20 मिनट पश्चात हमको मालूम पड़ा, हमारी एक SI संध्या पटेल हैं, उन्होंने कॉल किया कि एक बच्ची बलदेव बाग के कैरियम व्यवहार बाग के पास मिली है जो कि 10 वर्षीय मूक बधिर बच्ची है। हमने तत्काल उसका फोटो बुलवाया और फोटो ये जो उनकी माँ है को दिखाया, माँ ने इस बात की पुष्टि की कि मेरी बच्ची है। और हमने जाके फिर मैं इनकी माँ को वहाँ पे गोरखपुर थाने ले गया, गोरखपुर थाने पे जो इनकी बच्ची है उनको सुपुर्द किया गया और वहाँ की बीटा पेट्रोलिंग पार्टी से इनके घर लाया गया और घर छोड़ दिया गया। मैं भी घर साथ में ही आया था और घर छोड़ के जा रहे हैं। कितना लगभग टाइम हो गया था? बच्ची 6 बजे गुमी थी और बच्ची मिली है लगभग 1 से 1.5 के बीच मिली है। तो पुलिस ने अच्छा काम किया है, सारी टीम ने अच्छा काम किया है, बहुत ही ये संतुष्ट करने वाला, मतलब मन और आत्मा दोनों को संतुष्ट करते हैं ऐसे काम, पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।